हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज हम बात करेंगे कुछ कंपाउंड्स के सिंथेसिस के बारे में। कल हमने बात करी थी फिनाइल एलानिन और टायरोसिन के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ 5-HT, सिंथेसिस ऑफ मेलानिन एंड सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामिन्स। इन तीनों के बारे में हम आज बात करेंगे। पहला है आपका सिंथेसिस ऑफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5-HT। अब देखिए, 5-HT बोले तो 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसका एक नाम और होता है, इसका नाम होता है सेरोटोनिन। अब ये नाम आपने सुना होगा, सेरोटोनिन, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, हम इसमें सिंथेसिस पढ़ने से पहले, अब सिंथेसिस में मैं कोई केमिकल स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ कुछ कंपाउंड्स हैं। बहुत इजी है ये, आज का लेक्चर बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। नोट्स में ऑल्दो मैंने सब दे रखा है, लेकिन अगर आपको समझना है तो मेरे वीडियोज़ को, इस वीडियोस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये 5-HT है और ये सेरोटोनिन ही, ये दोनों सेम ही चीज़ है। 5-HT बोलो, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन बोलो या सेरोटोनिन बोलो, तीनों एक ही बात है, सेम बात हो रही है यहाँ पर। बेसिकली ये होता क्या है, ये हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन हार्मोन, और ये क्या करता है आपका मूड के स्टेबलाइजर के लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए, मूड स्टेबलाइजेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। हैप्पीनेस के काइंड ऑफ कह सकते हैं, जिसे रियल हैप्पीनेस कहते हैं, उसके लिए जो है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे अगर हम वन वन लाइन आंसर मैं आपको दूं इसका, सीरोटोनिन क्या होता है, देखिए दो केमिकल है, एक है डोपामिन, एक है सीरोटोनिन, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जो डोपामिन है वो फील गुड हार्मोन है, हम आगे पढ़ेंगे। सीरोनिन सेरोनिन जो है, सेरोटोनिन जो है आपका, वो हैप्पीनेस रिलेटेड हार्मोन है। मतलब अगर सेरोटोनिन की जो कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी में कम होगी, ठीक है, तो हमें सीधे सीधे डिप्रेशन होने के चांसेस रह सकते हैं, अवसाद की स्थिति। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, अवसाद जिसे हम बोलते हैं, मूड ऑफ रहना, डिप्रेशन, डिप्रेशन रहना, ठीक है। तो ये कंडीशन आ सकती है। तो जो सेरोटोनिन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी का। लो ब्रेन सेरोटोनिन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू डिप्रेशन, एज सिंपल एज डैट, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसके सिंथेसिस की बात कर लें। तो ये सिंथेसाइज होता है, कंपाउंड है जिसका नाम है ट्रिप्टोमीन। अब देखिए मैंने, सॉरी, ट्रिप्टोफेन, मैंने क्या बोला, TRY, ट्रिप्टो फेन। ये ट्रिप्टोफेन है, ये इसका क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है आपका, ठीक है। अब देखिए, इसको पूरा, इसकी सिंथेसिस लिखने से पहले हम जो नेक्स्ट कंपाउंड है, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ 5-HT एंड मेलेटोनिन, मेलेटोनिन इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर एक साथ ही, क्योंकि एक जैसे ही हैं दोनों के, जो रिएक्शन है वो सेम सेम है, ठीक है, सिंथेसिस दोनों की सेम सेम है, इसलिए जो है हम पहले मेलेटोनिन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, मेलेटोनिन में दो चीज़ें होती है, एक होता है मेलोनिन और मेलेनिन, और एक होता है मेलेटोनिन, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मेलेटोनिन भी क्या है, ये भी एक तरह का जो है हॉर्मोन है हमारी बॉडी के अंदर, जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है, और ये हमारे, जैसे जो मेलानिन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके हेयर के कलर के लिए, आइज के कलर के लिए, ठीक है, आपकी स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेलेटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी स्लीप साइकिल के लिए। अब देखिए, या इसको हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल, ठीक है। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, रात को फोन वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फोन में जो लाइट होती है वो ब्लू लाइट ज़्यादा रिजेंबल करती है, ठीक है, ब्लू लाइट लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, तो जो मेलेटोनिन है ये रात के समय जो है, नाइट टाइम पे, रात के समय
ये ज़्यादा रिलीज होता है, जितना ज़्यादा ये रिलीज होता है उस हिसाब से हमारी जो स्लीप साइकिल है वो होती है, हमें नींद आती है और टाइमली हमें जितने घंटे सोना है हमारी बॉडी को पता होता है कि भाई इसको आज इतने घंटे सोना है, तो वो इतने घंटे की नींद हमारी हमें देती है, ठीक है, हम उतने घंटे सोते हैं फिर हम फ्रेशली उठ जाते हैं। लेकिन मान लो अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी कैफीन कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, आपका आप किसी स्पेसिफिक मतलब आप किसी टेंशन में हो, ठीक है, डिप्रेशन में हो, ठीक है, तो क्या होगा, जो मेलेटोनिन है आपका वो रिलीज़ होना कम हो जाएगा, मेलेटोनिन रिलीज़ होना कम होगा तो इंसोमिनिया की कंडीशन आ सकती है जिसे हम बोलते हैं अनिद्रा। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, हिंदी में लिख देता हूँ, अनिद्रा, नींद ना आना, ठीक है, ऐसी कंडीशन आ सकती है आपका। तो जो मेलेटोनिन है, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि आपने देखा होगा फोन में हमारे अगर आप चेक करोगे तो एक रीड मोड होता है, रीड मोड में क्या होता है, जो ब्लू लाइट होती है वो उसको हटा के हल्की सी उसे येलोइश लाइट कर देता है, ठीक है, क्योंकि ब्लू लाइट क्या करती है, आपको हमारे ब्रेन को ये पता नहीं लगने देती कि भाई रात हो गई है, क्योंकि ब्रेन क्या है, ब्रेन को ये नहीं पता है कि रात हुई दिन हुई है, ब्रेन तो अपने हिसाब से काम करते रहता है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि अरे यार अभी और थोड़ा और फ़ोन चला ले या थोड़ा और काम कर ले, इस हिसाब से जो है डिले करते रहती है चीज़ों को हमारी ब्रेन। लेकिन जो मेलेटोनिन होता है वो क्या करता है, बार बार आके बोलता है नहीं सोने का टाइम है अभी सो जा, सोने का टाइम है सो जा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम अपने बॉडी की नहीं सुनते हैं, तो हम काम किए जा रहे हैं या स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, फ़ोन पे इंस्टा फेसबुक वगैरह चलाते जा रहे हैं या व्हाट्सअप पे चैट करते जा रहे हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, जो मेलेटोनिन है आपका वो सिक्रीशन उसका कम होते रहता है, जो हमारी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, जो स्लीप साइकिल है पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, हमें रात को 3 बजे नींद आती है, और वो नींद भी कब तक आती है, जब तक हम फ़ोन चलाते चलाते फ़ोन हमारे मुंह पे नहीं गिर जाता है तब तक जो है हम कॉन्टीन्यूसली फ़ोन चलाते रहते हैं, या जब तक जो है कुछ काम करते करते हम बिल्कुल बुक के ऊपर सर रख के सो नहीं जाते हैं तब तक हम उस काम को नहीं छोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा बॉडी पॉस्चर ख़राब होता है, स्लीप साइकिल ख़राब होती है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है। इसीलिए बोला जाता है कि सोने से 1 घंटा पहले जो है अपने फ़ोन को दूर रख लेना चाहिए, ठीक है। खैर वो तो उस इन चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा, अभी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो मेलेटोनिन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक या स्लीप साइकिल के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसका भी जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो ट्रिप्टोफेन ही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अब इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये होता क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी भाई स्पेसिफिकली सिंथेसिस कैसे होती है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो होता है ट्रिप्टोफेन, ठीक है, यहां पर लिख दू इतने में आ जाएगा, ट्रिप्टोफेन, ठीक है, ट्रिप्टोफेन कन्वर्ट होता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन में। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन। अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एंजाइम भी लिखते रहता हूँ, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। देखिए 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सीलेज, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोक्सीलाइज कर रहा है इसको, तो ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है, तभी यहाँ पर क्या आएगा, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा आपका, ये जो 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेरोटोनिन में, सेरोटोनिन बोलो या 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन बोलो या 5-HT बोलो, ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा किस एंजाइम की हेल्प से, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन डीकार्बोक्सीलेज, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन डीकार्बोक्सीलेज, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेरोटोनिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये सेरोटोनिन है आपका N-एसिटाइल सेरोटोनिन, देखिए N-एसिटाइल सेरोटोनिन इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें भी एंजाइम यूज हो रहा है, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, सेरोटोनिन N-एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब देखिए सेरोटोनिन N-एसिटाइल ट्रांसफरेज, NATV से हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है,
एन एसिटाइल सीरोटोनिन में चेंज हो जाएगा। अगर आपको इस स्पेसिफिक कंपाउंड का नाम याद है तो आप एंजाइम का नाम भी गैस कर सकते हैं, या वाइस वर्सा, अगर आपको एंजाइम का नाम याद है तो आप कंपाउंड का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोक्सी इंडोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोक्सी इंडोल, अब देखिए मैंने क्या बोला, हाइड्रोक्सी इंडोल मिथाइल ट्रांसफरेजेस, ठीक है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये फाइनल में फाइनली चेंज हो जाएगा मेलेटोनिन में, ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, मेलेटोनिन में। ये है सिंपल सी, देखो कितनी इजी है, ये है सिंपल सी इसकी सिंथेसिस। और हमको दो कंपाउंड मिल गए, ये मिल गया हमको यहाँ पर सीरोटोनिन मिल गया आपका, ठीक है, और इधर हमको मेलेटोनिन भी मिल गया, ठीक है। तो यह है आपका सिंथेसिस ऑफ 5-HT और मेलेटोनिन, ठीक है, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है भाई, सीधे सीधे लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, वरना नीचे नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करवाता ही हूँ हमेशा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन्स, अब देखेंगे, अब लोग सोचेंगे भाई कैटेकोलामीन्स ये क्या बला है भाई, ये क्या होता है, कैटेकोलामीन्स, कैटेकोलामीन्स, ठीक है। देखो कैटेकोलामीन्स पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले कैटेकोलामीन के बारे में पता होना चाहिए, कैटेकोलामीन होते क्या है, संधि विच्छेद, जब कुछ समझ में नहीं आता है तो उसका क्या करना चाहिए, संधि विच्छेद, कैटेकोलामीन्स, अगर इसको आप ब्रेक करोगे, कैटेकोल प्लस एमीन्स, अब एमीन्स क्या होते हैं ये बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे, लेकिन हाँ कैटेकोल क्या होता है ये बताने की जरूरत है। देखो कैटेकोल क्या होते हैं, डाइहाइड्रोक्सीलेटेड फिनाइल रिंग होती है, ये है आपकी फिनाइल रिंग, ठीक है, और ये है, एक सेकेंड, हाँ ये है आपकी फिनाइल रिंग और इसमें डाइहाइड्रोक्सीलेटेड, ठीक है, दो जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, डाइहाइड्रोक्सीलेटेड जो है आपका फिनाइल रिंग जो होती है उसे हम बोलते हैं कैटेकोलामीन्स, ठीक है। इसका जो प्रिकर्सर होता है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, ये होता है कैटेकोल, डाइहाइड्रोक्सीलेटेड फिनाइल रिंग क्या होता है आपका, कैटेकोल होता है, और इसी में जब हम एमीन लगा देते हैं, ठीक है, बड़ी चेन होती है उसे हम बोलते हैं कैटेकोलामीन्स। ये कैटेकोलामीन्स में कुछ कंपाउंड्स आते हैं, जैसे इसमें आता है आपका डोपामीन, अभी नाम आपने सुना होगा, अभी मैंने बताया था, इसमें आता है आपका नॉरएड्रेनालिन, या इसे हम बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, सेम चीज है दोनों, एड्रेनालिन, या इसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है, ठीक है। तो ये जो तीन कंपाउंड्स होते हैं, डोपामीन, नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन, या डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये क्या है, ये कैटेकोलामीन से, क्यों, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में कैटेकोल रिंग प्रेजेंट होती है, प्लस कैटेकोल रिंग प्रेजेंट होती है और एमीन्स भी होते हैं साथ में, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली जो है इसका, इसके जो है स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, वो आप समझ सकते हैं, अगर आप नेट पे देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, कुछ तो आपको भी देखना चाहिए ना भाई, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम परिचय दे देते हैं, ठीक है। पहले तो इनका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो होता है टाइरोसिन, अब देखिए ये नाम आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, टाइरोसिन, कल हमने पढ़ा था टाइरोसिन क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, फिनाइल एलानिन से ये बनते हैं आपका, ठीक है, फिनाइल एलानिन क्या एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। खैर उसके बाद हमने पढ़ा था टाइरोसिन के बारे में, तो टाइरोसिन क्या है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है, प्रिक्यूर्सर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो तीनों हैं डोपामीन, ये आपके प्रेजेंट होते हैं आपके एड्रिनल मेड्यूला में। अब एड्रिनल मेड्यूला ये क्या होता है भाई, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ हल्का सा,
ठीक है, मेरी कॉलोजी जो है, मेरा मेन सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आगे कॉलोजी के भी कुछ लेक्चर डालूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के मैसेज आ रहे हैं, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी हम पढ़ लेते हैं। ये आपका क्या है, यह है किडनी, यह है किडनी। ठीक है, इस किडनी के ऊपर दो मुकुट है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अजीब सा। इस किडनी के ऊपर क्या है, ये मुकुट है, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो इन दोनों को ही हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसका नाम नॉर एड्रिनालिन और एड्रिनालिन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि भाई ये क्या होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड को भी, इसको भी अगर आप जूम आउट करोगे, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, इसमें भी जो है ना बहुत सारी ऐसे लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब उतना डीप में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मेन मेन क्या है, अगर आप इसको यहाँ भी समझ सकते हैं, इसके इसके अंदर भी एक ये है। ठीक है, तो ये जो आउटर लेयर होती है उसका नाम होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है, किससे लिखूँ मैं, इससे लिख देता हूँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जो इनर लेयर होती है इसका नाम होता है एड्रिनल मेड्यूला। वैसे ही सेम ये है, आउटर लेयर है एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर लेयर है एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, तो ये होता है आपका। अब जो ये डोपामिन, नॉर एड्रिनालिन और एड्रिनालिन है, ये रिलीज होते हैं एड्रिनल मेड्यूला से, यहाँ से। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला से, और आपका सीएनएस से भी ये रिलीज होते हैं। ठीक है, अब इनका बेसिकली थोड़ा थोड़ा फंक्शन में बता देता हूँ, ये करते क्या है। देखिए, जो डोपामीन है आपका, उसको हम बोलते हैं फील गुड हार्मोन। ठीक है, फील गुड हार्मोन, ये तीनों ही हार्मोन है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, फील गुड हार्मोन क्या होते हैं, देखो डोपामीन एक टाइप का ऐसा हार्मोन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि आपने क्या किया, आपने जो है पबजी खेलना शुरू किया। ठीक है, अब पहले दिन आपने क्या कर दिया, जितने भी आते हैं आपके राइवल्स जो हैं सबको किल कर दिया, मार दिया। ठीक है, उसके बाद फिर अगले दिन आपके माइंड में आएगा, यार कल मैंने मारा था इतने लोगों को, आज फिर खेलता हूँ, बड़ा मजा आएगा। आपने फिर खेला, आपने फिर मार दिया, तो अब धीरे 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 क्या होगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। जब जैसे ही आप पबजी खोलोगे, ठीक है, ओपन करोगे गेम, तो वैसे ही आपको बड़ा मजा आने लगेगा, अरे यार देखो मैं क्या करता हूँ। या इसको हम दिखा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे देख लिया, किसी का भी देख लिया, मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो वो मोटिवेशनल वीडियो क्या करते हैं कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, ये है वो है, सौ चीज़ें बोलते हैं, तो हम क्या होते हैं, अंदर से मोटिवेट होते हैं, अंदर से मोटिवेट नहीं होते, सॉरी, अंदर से तो इंस्पायर होता है आदमी, बाहर से मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, भले ही हम वो वीडियो देखने के 10 मिनट बाद जो है वही अपने बैक टू द नॉर्मल लाइफ चले जाएं, लेकिन उस समय हमको बड़ा अच्छा लगता है कि यार हम भी बिस्तर में उछल रहे होते हैं, जैसे वो मोटिवेशनल स्पीकर जो है स्टेज पे अपनी एक्टिविटी कर रहा होता है, वैसे ही हम भी क्या करते हैं, अपने जहाँ बैठे होते हैं हम भी एकदम फील कर रहे होते हैं। तो वो फील कहाँ से आ रहा है, इस डोपामिन से। ठीक है, बहुत सारे और रीजन और भी काम होते हैं इसके। डोपामिन क्या होता है, किसी स्पेसिफिक हैबिट को, किसी को हमने कोई, हमें कोई चीज़ हमें अच्छी लगी, हम उसको बार 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 कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या, किस वजह से हम कर रहे हैं, डोपामीन की वजह से। हम सिगरेट पीते हैं, मैं नहीं पीता, मतलब जो भी पीता है, सिगरेट पीता है, तो निकोटीन आता है ब्रेन में। ठीक है, वो क्या करता है, बार बार माइंड को प्रेशराइज करता है, मतलब डोपा जब जब स्मोक करता है आदमी, तो क्या होता है, डोपामीन का कष्ट रिलीज होता है। ठीक है, जो डोपामीन रिलीज होता है आपका, वो क्या करता है, बार बार जो है उसे बोलते हैं ना, तलब लग रही है, अमल लग रहा है भी बोलते हैं शायद, आप लोग बोलते हैं या नहीं आई डोंट नो, बट हम लोग बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में। लाइट चली गई, तो ये तो है आपका डोपामीन। उसके बाद देखो, ये दूसरा, दूसरे जो दो हार्मोन है, नॉर एड्रेनालिन या एड्रेनालिन, या इसे हम बोले नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन, ये दोनों क्या करते हैं आपके, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, इसके लिए रिस्पॉन्स हो सकते हैं। अचानक हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया कि अब हमारे पास या तो उससे लड़ने का या फिर वहां से भागने का, इन दोनों के अलावा कोई चारा नहीं बचा, तो वो जो माइंड सेट हमारा रहता है वो किसकी वजह से रहता है, नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन के कारण रहता है। तो मैंने हल्का सा जो है इसको क्या बता दिया आपको,
थोड़ा सा इसको टच कर दिया कि भाई किसमें क्या है। अब हम पढ़ेंगे उसके स्पेसिफिक सिंथेसिस के बारे में, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सेम उसी तरह से जो हम इसके बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो होता है टाइरोसिन, ठीक है। क्या होता है टाइरोसिन? तो जो टाइरोसिन है आपका, ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, डोपामाइन डीहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। देखिए डीहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन डोपामाइन। फिर डोपा चेंज होता है आपका किसमें, डोपामीन में, डोपामीन। और ये डोपामीन चेंज होता है आपका किसमें, नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन में, ठीक है, नॉर एड्रेनालिन। और फिर ये जो नॉर एड्रेनालिन है आपका, ये ऐसे ही है जैसे हमने पहले वाला पढ़ा था, अभी सेम वैसे इनके नाम है वही पढ़ने हैं। नॉर एड्रेनालिन चेंज हुआ आपका एड्रेनालिन में, एड्रेनालिन, ठीक है। तो सिंपल सा है, टायरोसिन, टायरोसिन से डोपा में, डोपा से डोपामीन में, डोपामीन से एड्रेनालिन, एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन में, ठीक है। स्पेसिफिकली एंजाइम का नाम लिखूं तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। अब देखिए डोपा, ठीक है, डोपा में चेंज हो जाएगा, डोपा से डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अब देखिए क्या बोल दिया मैंने, डोपा डी कार्बोक्सिलेज किसमें चेंज हो गया फिर, ये डोपामीन में, ठीक है। और डोपामीन से फिर डोपा बी हाइड्रोक्सिलेज, डोपा बीटा हाइड्रोक्सिलेज शॉर्ट में लिख देता हूं थोड़ा, ठीक है। उसके बाद नॉर एड्रेनालिन में चेंज हो गया, नॉर एड्रेनालिन से किसमें चेंज हो जाएगा, फिनाइल इथेनॉलामीन, ठीक है, फिनाइल इथेनॉलामीन एन, ठीक है, मिथाइल ट्रांसफरेंस, एन कैपिटल कर देते हैं, मिथाइल ट्रांसफरेंस। लास्ट किसमें चेंज हो गया आपका, एड्रेनालिन में। तो ये है इसकी पूरी सिंथेसिस, ठीक है। और इससे पहले हमने पढ़ा था सिंथेसिस ऑफ 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन और मेलेटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन। आई होप आपको आज का ये लेक्चर जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।